हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्लास का ईवीएस का चैप्टर फर्स्ट, जो है हमारा सुपर सेंस। सुपर सेंस जो हमारे बॉडी में सेंस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ इस चैप्टर में आपको कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, तो पहले हम ह्यूमंस के सेंस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए, ये है हमारे फाइव सेंसेस, ठीक है? कौन कौन सी? आईज, टंग, नोज, ईयर और ये हैंड नहीं है, ये होता है हमारी स्किन। ये जो हमारी स्किन होती है वो होता है हमारा फिफ्थ सेंस होगा, ठीक है? तो पहले आप इनके वर्क जानिए कि क्या क्या इनका वर्क होता है। सबसे पहले आईज का क्या वर्क होता है? लुक, यानी कि देखना, तो उसे हम लुक बोल सकते हैं। सी और वॉच, यानी कि जो हमारी आईज है इनका काम क्या है? देखना, ठीक है? आप अपने हैंड से नहीं देखोगे, सिर्फ देखने का काम किनका? हमारी आईज का। उसके बाद सेकंड टंग, टंग का काम क्या होता है? टेस्ट, टंग हमारी टेस्ट करके बताती है कि कोई भी चीज जो आप खा रहे हो वो कैसी है, स्वीट मीठी है, सॉल्टी नमकीन है, बिटर कड़वी है, तो वो सब बोलने में सिर्फ हमारी टंग जो होती है हमें वो चीजें बताती है कि जो आप चीजें खा रहे हो उसका टेस्ट कैसा है। इसके बाद है नोज, नोज का काम क्या है? स्मेल, यानी कि सूंघना, कि आप अपने नोज की मदद से सूंघ के बता सकते हो कि इसकी स्मेल अच्छी है या इसकी स्मेल बुरी है। जैसे आपको बोला जाए कि आप फ्लावर को स्मेल करो और बताओ कि वो कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, तो आप फ्लावर को सूंघने के बाद बताओगे कि आपको उसकी खुशबू अच्छी लगी। और अगर कहीं पर कचरा पड़ा है, आप उसकी स्मेल ले रहे हो, तो आपको उसकी स्मेल कैसी लग रही है? बुरी लग रही है, तो वो काम किसका? हमारी नोज का। उसके बाद ईयर, यानी कि हमारे कान, कान का काम क्या है? हमारा सुनना, यानी कि लिसन, या फिर आप इसे ईयर भी बोलते हो कि कोई भी आवाज हो रही है तो उसे कौन सुन रहा है? हमारे कान, हमारे कान आवाज को सुनने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद हमारी स्किन है, और स्किन का काम क्या है? फील, महसूस करना। जितने भी हमारी बॉडी है उसमें जो स्किन है ये वो हमें क्या कर रही है? चीजों को फील कर रही है, महसूस कर रही है। जैसे आपके हाथ में अगर ठंडे पानी का ग्लास है तो आपके हाथ में उसे फील किया कैसा है? वो ठंडा है। अगर आपके पास गर्म कप है चाय का, तो भी आपने उसको टच करके ही बताया कि वो कैसा है? गर्म है। तो ये हमारी स्किन हमें फील करती है चीजों को कि कैसी चीजें ठंडी है या गर्म है, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में, यानी कि अब हमारे जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है ऐसे पार्ट्स ऑफ बॉडी एनिमल्स के भी होते हैं। तो अब हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स है, क्या एनिमल्स के भी सारे सेंस ऑर्गन्स ऐसे ही होते हैं? क्या उनका काम भी जैसा हमारा है वैसा ही होता है, या फिर हमसे भी बेटर होता है? यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स वर्क करते हैं, क्या सेम उनके सेंस ऑर्गन्स भी उसी लेवल पर वर्क करते हैं या उससे डाउन या उससे बेटर? तो यहाँ पर है, आपको देखिए ईगल है, कैन फाइंड फ्लावर्स विच इज वेरी फार। आपने देखा होगा ईगल नॉर्मली हाइट पर नहीं उड़ती है, वो कहाँ उड़ती है? बहुत ही ज्यादा ऊपर उड़ती है। वो इतने ऊपर उड़ती है और वो उतने ऊपर से भी नीचे की चीजों को देख लेती है। आप यहाँ से यहाँ तक देख पा रहे हो या ज्यादा दूर तक भी देख पा रहे हो, पर आप जितनी दूर से ईगल देख पा रही है उतनी दूर से आप नहीं देख पा रहे हो। तो हम बोल सकते हैं कि उनके जो सेंस है हमारे से मच बेटर है, यानी कि स्ट्रोंगर है, हमसे ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद डॉग के बारे में, बोथ आईज इन फ्रंट ऑफ हिज हेड,
उसकी आंखें कहाँ होती है? उसके सिर के सामने। और डॉग के बारे में क्या है कि डॉग की जो स्मेल होती है वो कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। कि आपने अगर एक चीज को सूंघा, शायद आप कुछ देर से भूल भी जाओ कि उसकी स्मेल कैसी भी थी, बट अगर डॉग ने किसी चीज को स्मेल किया है तो वो उसको याद भी लगता है, उसे दूर से पहचान भी लेता है। ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो लोग अपने घरों में पैट डॉगी रखते हैं, जब उनके घर में कोई नया मेहमान आता है तो डॉगी क्या करता है? पहले उसे भौंकता है, क्योंकि उसे जानता है नहीं, उसे लगता है कि कोई अनजान है तो उसे भौंकता है। पर जब वो घर के अंदर हमारे रिलेटिव के साथ या हमारे साथ अगर वो घर के अंदर एंटर हो गया, तब डॉग क्या करता है? उसके चारों तरफ घूमता है, उसे स्मेल करने की कोशिश करता है, ताकि वो उसकी स्मेल को पहचान सके कि नेक्स्ट टाइम जब वो इंसान या हमारे फ्रेंड हमारे घर पर आए तो डॉग उसे भूखे ना, क्योंकि उसे पता है उसकी स्मेल से पहचान लेगा वो कि हाँ ये तो हमारे घर में पहले भी आया है। तो वो इसलिए हमेशा जब भी कोई नया दोस्त या कोई भी नया इंसान हमारे घर में आता है तो हमारे जो पेट डॉग्स होते हैं उसे क्या करते हैं? उसे स्मेल करते हैं, उसकी बॉडी को पूरा स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, पहचानते हैं कि हाँ अब उनके माइंड में उसकी स्मेल रह गई है, वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो शायद उसे ना भोंके ना उसे वो काटेगी, तो उसे पता है कि हाँ ये तो कोई ना कोई जानने वाला ही है। ठीक है, उस तरीके से आउल है। आउल को आपने देखा होगा, आप रात को बाहर निकलते हो विदाउट लाइट को आप बिल्कुल भी देख सकते हैं, क्योंकि डार्क होता है, अंधेरा होता है, तो उसमें आप बिना लाइट नहीं देखते। पर आउल कैसे है, वो सिर्फ रात को ही देखता है, तो वो उसके सुपर सेंस है जिसकी मदद से वो सिर्फ रात में ही देख पा रहा है, हमारे अंदर नहीं है क्योंकि उनके अंदर वो स्पेशल है। ठीक है, उसके बाद है आंट्स होती है, हनीबीज होती है, इस तरीके से जैसे आपने आंट्स को देखा होगा, इतनी सी होती है छोटी सी, फिर भी वो चलते रहते हैं, एक ग्रुप में चलते हैं, जैसे कि देखा होगा एक आंट अगर चल रही है तो बाकी सब उसके पीछे पीछे ही, अगर ये चल रही है तो बाकी सब उसके पीछे पीछे ही उसे फॉलो कर रहे हैं। कैसे? वो सब एक दूसरे की स्मेल से उसे फॉलो कर रहे हैं कि उसने से स्मेल है कि हाँ ये जो आंट है ये हमारी फैमिली की है या हमारे ग्रुप की है, तो सब उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। ये है हमारा चैप्टर। फर्स्ट, यू आर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड एन ईगल फ्लू डाउन, कि आप जो है एक प्लेग्राउंड में खा रहे हैं, तभी वहां से जो ईगल है वो वहां से ऊपर से उड़ी एंड टू अवे योर रोटी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ग्राउंड में बैठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है, तभी आपने क्या देखा कि एक ईगल ऊपर से आई और आपकी जो रोटी है उसे वो छीन के ले गई। अब ये देखो कि ईगल ने क्या वो हमारे आसपास आई थी, क्या हमारे आसपास बैठ के हमें देख रही थी? नहीं, वो ऊपर जो आसमान है उसी में वो उड़ रही थी और उसी में दूर से उसने देखा कि हाँ हमारे पास रोटी है, उसे भूख लगी तो उसने हमारी रोटी हमसे छीन ली। तो देखो हम दूर से नहीं देख पा रहे पर ईगल ने कितने दूर से देखा, तो यानी कि एनिमल्स की जो सेंस है वो क्या हुआ, उससे ज्यादा स्ट्रोंग हुई कि उसने ऊपर से ही दूर से हमें पहचान लिया कि हाँ यहाँ पर कुछ खाने का है और उसने अपने लिए वहां से खाने का ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट है, यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन द मिनट मैनी आंट्स क्लैपिंग अराउंड इट, कि अगर आप कुछ मीठा खा रहे हो, स्वीट वगैरह खा रहे हो या कोई टॉफी खा रहे हो और आपने ध्यान, मान लीजिए आपने लड्डू खाया और आपने ध्यान दिया लड्डू के कुछ बाइट्स जो थे, टुकड़े जो थे वो नीचे ग्राउंड पर गिर गए, ठीक है, अपने खाने के बाद चले गए वहां से। पर अगर आप कुछ मिनट के बाद वापस आ रहे हो तो आप क्या देख रहे हो, जो लड्डू के छोटे छोटे टुकड़े गिर गए थे वहां पर थोड़ी सी देर में क्या है, बहुत सारी आंट आ जाती है। अब क्या जब आप लड्डू खा रहे थे तो आपके आसपास में क्या कोई आंट थी? नहीं, पर जैसे ही नीचे जमीन पर जब लड्डू के कुछ टुकड़े गिरे तब थोड़ी देर में ही आंट्स क्या वहां पर आ गई उसे खाने के लिए। तो वो कैसे आई वहां पर? सिर्फ और सिर्फ अपनी स्मेलिंग पावर की वजह से, कि उन्होंने स्वीट्स को स्मेल कर लिया दूर से ही, क्योंकि वो आसपास तो थी नहीं, तो उन्होंने पक्का कहीं ना कहीं दूर से ही उसे स्मेल कर लिया कि हाँ
स्मेल आ रही है। तो उन्होंने स्मेल के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ते रहे और कुछ ही देर में जहां पर लड्डू के टुकड़े पड़े हुए थे और वो वहां पर आके इकट्ठा होकर उसे खाने लग गई या फिर उसे ले जाने लग गई। ठीक है, उसके बाद एज यू वॉक सॉफ्टली पास द स्लीपिंग डॉग इट्स ईयर शट अप एंड एट वंस, कि अगर कोई कुत्ता सो रहा है, डर लगता है कुत्ते से, ऑब्वियसली कभी काट ना ले, उसके बाद इंजेक्शन वगैरह, इसलिए हमें सबको कुत्ते से डर लगता है। एक डॉग सो रहा है, आप सोच रहे हो कि चलो ये सो रहा है तो मैं चुपचाप से क्यों ना इसके पास से निकल जाऊं, क्योंकि रास्ता यहीं से जाने का। आप बिल्कुल दबे पै जा रहे हो, ठीक है, पर फिर भी जैसे आप उसके पास से गुजर रहे हो तभी क्या है, उसकी आंखें बंद है और उसके जो कान है वो एकदम से खड़े हो जाते हैं। यानी कि आपके जो दबे पैर चल रहे हो फिर भी जो हल्की सी भी जो आहट है, हल्की सी भी जो आहट है उसे उसने सुन लिया है और सुनते ही उसके कान खड़े हो गए हैं और वो अपनी आंखें खोल लेता है। आप धीरे से, अपने कोई भी बोलता है तो आप नहीं सुन पाते, पर डॉगी ने क्या है, सिर्फ आपके कदमों की आहट को ही सुना है और सुनते ही उसने अपनी जो आंखें है वो खोल ली, यानी कि आपको देख लीजिए, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया कि डॉगी है, आप उसके पास निकल नहीं रहते, बेशक से उसकी आंखें बंद है, फिर भी उसने अपने कानों की मदद से उसे सुन के अपनी आंखें खोल ली। ठीक है, इसके बाद यहां पर है आंट के बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। अब आंट को कैसे पता कि वो हमारा फ्रेंड है या नहीं है, अब इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर क्या कोई आंट अलग दिख रही है, क्या कोई छोटी कोई बड़ी, इस तरीके से, बट सब देखने में कैसी है, सेम है, तो आप पहचान पाओगे कि ये किस ग्रुप की है, ये किस ग्रुप से है, या फिर ये किस ग्रुप की है, ये फ्रेंड्स है या नहीं है, क्या आप इन्हें पहचान पाओगे, नहीं ना। बट आंट क्या करती है, वो अपने ग्रुप को पहचान लेती है। पहले रीड करते हैं, एन आंट वॉज गोइंग अलोन ऑन द ग्राउंड, कि एक आंट है वो ग्राउंड में अकेली जा रही है, इट सॉ अ ग्रुप ऑफ आंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, तो देखा कि एक ग्रुप है आंट्स का, दूसरी तरफ से वो हमारी साइड आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट द आंट क्लिक कम बैक टू इट्स होल, सबसे पहले उसने क्या किया, वो उस होल में जो उसका घर था, जिसके जो होल होते हैं, ये सब घर है, तो सबसे पहले वो अपने घर में एंटर हुई, यहाँ पर एक है, यहाँ पर बहुत सारे हैं, ठीक है, तो वो अपने घर में एंटर हुई। ठीक है, द आंट गार्डिंग द होल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड लेट इट स्लिप, कि उसने क्या किया, जो गार्ड्स होता है, यानी कि जैसे हमारे घरों के बाहर वॉचमैन होते हैं, गार्ड्स होते हैं, वैसे ही आंट का एक गार्ड होता है जो अपने ग्रुप्स के अलावा किसी और को एंटर नहीं करने देता है। तो उसने जो गार्ड था होल का, उसे क्या बताया कि हाँ कोई ग्रुप्स आ रहा है, क्या वो हमारा ग्रुप है या नहीं है, ताकि वो उसे पहचाने, अगर वो हमारा ग्रुप होगा तो तभी तो हम उसे अपने इस होल में एंटर कर देंगे, वरना उसे एंटर नहीं कर देंगे। कि अगर आप भी अपने घर में अपने किसी रिलेटिव को जानते हो कि हाँ ये हमारा रिलेटिव है, तभी तो आप उसे अपने घर के अंदर एंटर करोगे, और अगर किसी को नहीं जानते हो तो अपने घर के अंदर एंटर क्यों करोगे, तो वो सब चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है कुछ क्वेश्चन, आपके जो चैप्टर में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके क्वेश्चन और उनके आंसर है, तो चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, कि जो आंट्स है वो कैसे पहचानती है कि जो बाकी कोई आंट्स है या कोई चींटी अलग से अकेली आई हुई है कि वो हमारे ग्रुप की है या नहीं है। अब बताओ, सोचो थोड़ा सा, क्योंकि देखने पे तो आपको कैसे लगेगी सारी चींटियां सेम, उन्हें पहचानना मुश्किल है, पर फिर वो कैसे पहचानती हैं कि ये हमारे ग्रुप की है या नहीं है। चलिए रीड करें, जस्ट लाइक अस एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट सेंस, कि हमें पता है जैसे हमारे सेंस है वैसे ही हर एनिमल्स के अलग अलग सेंस है और सबके अलग अलग स्ट्रॉन्ग सेंस है, किसी के पास कोई सा सेंस स्ट्रॉन्ग है तो किसी के पास कोई और सेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, दे कैन सी हियर स्मेल एंड
वो क्या कर सकती है, सी देख सकती है, सुन सकती है, स्मेल कर सकती है, महसूस कर सकते हैं जैसे हम करते हैं, वैसे ही एनिमल्स भी सारी चीजें देख सुनना, देखना सुनना, सूंघना और महसूस करना, ठीक है। ड्यू टू दीज एबिलिटीज द एंट्स द एंट कम टू नो दैट द अदर्स एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, कि इन्हीं एक्टिविटीज की मदद से वो पहचानते हैं कि ये हमारे ग्रुप के हैं या नहीं है। या फिर आप ये कह सकते हो कि वो अपने ग्रुप्स के जो आंट्स होते हैं उन्हें स्मेल करके कि हाँ ये हमारे ग्रुप्स के पहचानेंगे, बाकी हमारे ग्रुप्स की नहीं है। जैसे कि इसमें एक और है, मान लीजिए ये एक आंट है, ये दूसरी आंट है, ये तीसरी आंट है, ये ऐसे आंट्स जो है चल रही है, ठीक है। अब सब एक के पीछे एक बिल्कुल कंधे पे चल रही है लाइन से, ठीक है। अब इन्हें कैसे पता कि वो हमारे ही दोस्त है या नहीं है, तो ये क्या करती है कि जैसे इन्होंने अपनी स्मेल यहाँ पर छोड़ी तो उसे पहचान के लिए आगे उसके साथ चली, तो इसने अपनी स्मेल यहाँ पर छोड़ी तो उसका वो आगे, यानी कि सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं किस वजह से, ड्यू टू स्मेल, स्मेल की वजह से ही वो अपनी फ्रेंड्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे, ठीक है। वो किसी को देख नहीं रहे, सिर्फ स्मेल ही है जिसकी वजह से वो आगे एक दूसरे के पीछे कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। तो स्मेल से वो पहचानती है कि जो आंट है नहीं, ये हमारे ग्रुप की है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज द आंट, जो गार्ड आंट है, मैंने आपसे पीछे बताया था कि क्या होता है कि जैसे हमारे घरों के बाहर कोई गार्ड हम अपॉइंट करते हैं या वॉचमैन अपॉइंट करते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, तो आंट का भी क्या है, गार्ड, ठीक है। तो वो कैसे बताता है कि जो ये आंट है वो हमारे ग्रुप से है, ये हमारे रिलेटिव से है या नहीं है, तो सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल, द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट बाय इट्स स्मेल। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं वो स्मेल से पता लगाते हैं कि वो हमारे फ्रेंड है या नहीं है, तो वैसे ही जो आंट गार्ड है वो भी स्मेल से ही पता लगाती है कि ये हमारे ग्रुप से है या नहीं, ठीक है बच्चों। उसके बाद हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द आंट्स टू कम, कि जैसे आपको बताया था लड्डू के लिए कि अगर कोई स्वीट पड़ी हुई है नीचे, ठीक है, तो आंट्स कितनी देर लगाती है वहां पर पहुंचने में, क्योंकि उन्होंने देखा तो है नहीं ना, वो पहले से वहां पर अवेलेबल है, सिर्फ यहाँ पर कोई मिठाई पड़ी हुई है, तो आंट्स को कितनी देर लगती है वहां तक पहुंचने में आने में। इट टुक्स 15-20 मिनट्स फॉर आंट्स टू कम, कि कम से कम 15-20 मिनट लगती है जो चींटियां होती हैं उन्हें उस स्वीट तक पहुंचने के लिए, कि हाँ हमें स्मेल आ चुकी है कि हाँ भाई हमारा खाना वहां पर है, तो वो उसकी तरफ जाती हैं उससे खाने के लिए, या फिर उसके बाद वो अगर ना खाते तो उसे वो अपने घरों तक कैरी भी करती है ताकि वो उसे फ्यूचर में यूज कर सके, फ्यूचर में खा सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, डिड वन आंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट्स कम टुगेदर, कि जब चींटियां बाहर निकलती है तो क्या सिर्फ एक आंट पहले निकलती है या फिर सारी के सारी इकट्ठी निकलती है, तो बताइए बच्चों, आपने देखा भी होगा चींटियां सीधी लाइन से चलती हुई है, झुंड बना के कभी नहीं चलती है, तो इसलिए आंसर क्या है, वन आंट कम फर्स्ट, कि जब उन्हें कहीं जाना होता है खाने के लिए तो क्या होता है कि पहले एक आंट निकलेगी, उसके पीछे दूसरी, उसके पीछे उसके बाद कंटिन्यू वो सारी एक दूसरे के साथ साथ चलती रहती है। ये थी, ये होल है और इसमें तो सारी एक साथ ही निकल रही, वो एक के बाद एक एक निकलती रहती है क्योंकि उन्हें देख के नहीं, उन्हें सिर्फ अपने फ्रेंड से आके है स्मेल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट डिड द आंट डू विद द फूड, आंस जो है वो खाने के साथ क्या करती है, आंस कैरी द
होता है उसे अपने होल तक लेके आती है। क्यों? क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, जब बारिश का मौसम होता है तब आपने देखा होगा कभी भी आपको बाहर चींटियां नहीं दिखती है। अब बारिश का मौसम है, बाहर वो निकल नहीं सकती, तो वो अपने घर में खाएंगी क्या? तो इसलिए वो क्या करती हैं, ज्यादातर वो फूड को अपने होल में लाती हैं, यानी कि अपने घर होता है उनका वो होल, उसमें लाती हैं, उसमें कैरी करके वो सेव भी करती हैं, वहां से वो खाती भी है। क्यों? कि जब मौसम खराब हो, बारिश का मौसम है, तब वो उसे फ्यूचर में यूज कर सके उस फूड को, ठीक है। उसके बाद वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, कि वे वहां से कहां जाती है, दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर, कि जहां पर जो खाना होता है उस खाने को लेके कहां जाती है, सीधा अपने होल में, इस तरीके से कि यहाँ ये खाना है और उसे आप अपने होल में ले जाओ, ठीक है। उसके बाद डू दे मूव इन ए लाइन, कि क्या वो एक लाइन में मूव करती है? तो ये मैंने आपको पहले समझाया बच्चों, आंट्स जो चलती है वो कैसे चलती है, सिर्फ ही एक लाइन। आंसर इज यस, दे मूव इन ए लाइन, हाँ वो एक लाइन में ही चलती है। के बाद नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द आंट्स मूव, कि अब आपको एक एक्टिविटी के रूप में आपको ऑब्जर्व करना है कि आंट्स कैसे चलती है, ठीक है। आंट्स कीप अप ऑन द पेंसिल बट मूव इन ए लाइन, कि ये ना आपके लिए एक तरीके से एक एक्टिविटीज है, आप चाहे तो इसे घर पे ट्राई कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको बताऊं, जैसे ये आंट्स है, ये चल रही है, ये सब एक लाइन में जा रही है, ठीक है, जा रही है। तो आपको इस एक्टिविटी में करना क्या है, एक पेंसिल लीजिए, पेंसिल हो या फिर कोई स्टिक हो, आपको वो यहां पर बीच में रखनी है, मान लीजिए मैंने उसे यहां पर रख दिया। तो अब आपकी जो एक्टिविटीज में आपको ये ध्यान देना है कि क्या आंट यहां से अपना रास्ता चेंज करके तब यहां तक जा रही है, या फिर वो इस पेंसिल के ऊपर से मूव करके ही यहां तक जा रही है। तो ये आपकी एक्टिविटी है। तो मैं आपको बताती हूं कि जैसे कि आपको पता है कि आंट कैसे मूव करती है, एक लाइन से मूव करती है, तो इस केस में क्या होगा, आंट अपना रास्ता कभी भी नहीं बदलती है, चाहे वो पेंसिल हो, रास्ते मतलब कुछ भी वो हो मुश्किल, वो अपना रास्ता मूव नहीं करती है। पहला इंसान जहां से, यानी पहली आंट जहां से गई है, बाकी सब भी उसी रास्ते से, उसी पर से जाएंगी, कोई भी उस रास्ते को मूव करके दूसरी डायरेक्शन से नहीं जाएगा। तो वो क्या करेगी, जो ये पेंसिल है, तो आंट इस पेंसिल के ऊपर से ही चढ़ के नीचे उतर के फिर आगे मूव करेगी, यानी कि वो अपने लाइन को नहीं तोड़ रही है, चाहे उनके बीच में कितने भी आप मुश्किल ला दीजिए, ठीक है। तो बच्चे इसे आप एक बार प्लीज ट्राई कीजिए, पर एक बात ध्यान रखना कि किसी भी आंट्स को परेशान नहीं करना, क्योंकि एनिमल्स को परेशान करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, नाउ यू कैन सी गेस व्हाई द आंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ, कि अब आपको ये जो है एक्टिविटी आपको ये ऑब्जर्व करनी है और आपको बताना है कि जब आपने उनका जो पाथ है, जो रास्ता था, वो आपने ब्लॉक कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ। चलिए, एज द आंट मूव देयर, एज द आंट्स मूव्स दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, कि जब आंट्स मूव कर रही है तो वो क्या कर रही है, ग्राउंड पे अपनी एक स्मेल छोड़ रही है, ठीक है। द अदर आंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे, तो बाकी जो आंट्स है वो क्या कर रही है, उस स्मेल को फॉलो करते हुए वो अपना रास्ता आगे ढूंढ रही है, यानी कि पहली आंट इस रास्ते पे चली है, तो बाकी आंट भी स्मेल को महसूस करते हुए उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। सो व्हेन द देयर पाथ वाज ब्लॉक, आंट्स ट्राइड टू मेंटेन देयर ओरिजिनल पाथ बाय फॉलोइंग द स्मेल, कि जब आपने उनका जो रास्ता था वो ब्लॉक कर दिया,
यहाँ पे हमने ब्लॉक किया था, तो ब्लॉक करने के बाद भी जो चींटियां है वो ट्राई कर रही है, क्या ट्राई कर रही है, मेंटेन द ओरिजिनल पाथ, कि जो पहला रास्ता था जिस पर पहली चींटी गई हुई है तो वो मेंटेन कर रही, कोशिश कर रही है कि हम भी उसी पर चले, उसी की स्मेल के अकॉर्डिंग हम उसी रास्ते पर चले, हम यहाँ से अपने डायरेक्शन को चेंज ना करें। ठीक है बच्चों, तो यानी कि वो आप उनके रास्ते में कितनी मुसीबत लेके आते हो उसके बावजूद भी वो उसी रास्ते को फॉलो करना बेटर समझते, क्योंकि उससे पहले जो गया हुआ है उसने अपनी स्मेल उसी रास्ते पर छोड़ी हुई है, इसीलिए आम हमेशा एक सीधी लाइन में चलती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटर है, यानी कि हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो
उनकी जो स्पेशल पावर है ये, वो हम कैसे यूज कर सकते हैं, यानी कि जो इंसान है डॉग्स की इस पावर का यूज कैसे करते हैं। तो आपने नॉर्मली देखा होगा मूवीज वगैरह में जो पुलिस होती है उनके पास होते हैं डॉग, वो क्या करते हैं, जैसे उनको कोई कपड़ा स्मेल करे तो वो सूंघते हैं चोर को सूंघने के लिए, उनको पकड़ने के लिए या फिर बहुत सी चीजें। तो आंसर है वी यूज दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स टू कैच क्रिमिनल्स, रिकवर द स्टोलन गुड्स, सर्च आउट ऑफ बॉम्ब्स एंड एक्सप्लोजन एक्सेट्रा। ये जो डॉग की स्मेल है तो हम कैसे यूज करते हैं, चोरों को पकड़ने के लिए, कि अगर आपके पास किसी चोर का छोटा सा टुकड़ा भी है, उसके कपड़े का छोटा सा टुकड़ा भी है, तो आप उसे अगर डॉग को सूंघाते हो तो वो क्या करता है, उसे उस स्मेल को ढूंढता है और उसकी मदद से वो उस चोर को पकड़ने में हमारी हेल्प करता है। या फिर कोई चीज खो गई है तो उसकी छोटी सी स्मेल से वो पहचान सकता है कि हाँ वो ऐसी स्मेल है, तो वो उस चीज को ढूंढने में मदद करता है। उसके अलावा बॉम्ब वगैरह जब कहीं पर होते हैं तो डॉग इन सबको स्मेल करके ही पहचान पता कि हाँ यहाँ पर शायद है डॉग, तो वो बॉम्ब वगैरह। तो इस तरीके से जो डॉग की जो स्पेशल सेंस है वो हमारी हेल्प करती है कि हम जिसकी मदद से बहुत सी चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं। स्पेशली पुलिस वगैरह इस चीज़ को यूज़ करती है इन सब के लिए। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको इसके बारे में फिर बताऊंगी कि जो अभी रह गया है। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ यहाँ पर आंस और डॉग के लिए कुछ पढ़ा है, इसके अलावा हमने अपने ह्यूमन बॉडीज के सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है कि एनिमल्स और ह्यूमंस की सेम होती है या बेटर होती है। तो हमने जाना कि एनिमल्स की जो सेंस है वो हमसे मच बेटर, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर होती है, और उसके अलावा आर्म्स की कैसे कैसे करती है, कैसे वो रहती है, कैसे वो अपने ग्रुप्स को पहचानती है कि वो हमारे ग्रुप से है या नहीं है। उसके बाद डॉग्स है कि डॉग्स क्यों यहाँ वहाँ पर घूमता रहता है, सूंघता रहता है कि कोई नया डॉग हमारे एरिया में आया है या नहीं आया है। उसके अलावा जो डॉग है वो कैसे हम ह्यूमन की हम इंसानों की मदद करता है चीज़ों को पहचानने में। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चों हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम इससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिले और आपने चैप्टर्स को इजीली समझ पाओ, क्योंकि आप समझ सकते हो तो उसे अच्छे से याद भी कर सकते हो। तो हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, बाय बाय।